हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति रेसिपी ब्लॉग। तो आज मैं आपको बेल का शरबत बनाना सिखाऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है बेल का शरबत कैसे बनाएं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ अपने बेल का एक बहुत बड़ा पेड़ जिसमें बेल लदे पड़े हैं, और उससे मैं डायरेक्ट तोड़कर आपको फ्रेश बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले ये पेड़ कितना बड़ा है और सब तरफ से इसमें बेल लदे पड़े हैं। तो इसी बेल का मैं एक फ्रेश शरबत बनाऊंगी और आपको सिखाऊंगी। तो देखिए, ये बेल का पेड़ कितना बड़ा है, आप देख सकते हैं, और ये सब तरफ से इसमें बेल लदा है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा बेल का एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसे मैं रोज़ तोड़कर रोज़ गर्मी के दिनों में बेल का शरबत पीती हूँ। बेल कितना फ़ायदेमंद है ये आपको पता ही होगा। बेल हमारे पेट के लिए बहुत ही ठंडा है, और अन्य शरबतों के मुकाबले ये बेल बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो ये आपके पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, जो आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही क्लियर रखता है। तो आइए मैं अब बेल तोड़ूँगी और आपको दिखाऊँगी। तो मैं थोड़ा कैमरा पॉज करती हूँ इसे तोड़ने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे बेल तोड़ लिए हैं और नीचे भी है बहुत सारे। तो ये हमारे फ्रेश बेल्स, और मैं इनके ही शरबत बनाऊंगी। करीब एक बेल आपको रोज़ बनाना है और रोज़ पीना है। ये देखिए, ये मेरा पौधा, मेरा पेड़ का खुद का बेल है। तो आइए मैं आगे आपको दिखाती हूँ इसका शरबत कैसे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने बेल में मैंने एक बेल को चुना जो बहुत ही पका हुआ है, और इसी का मैं शरबत अभी बनाना शुरू करूँगी। तो आइए मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ कि इसमें क्या क्या लगेगा। ये देखिए, ये एक बेल मैंने लिया पका हुआ, आपको पका हुआ बेल लेना है। और चीनी मैंने थोड़ी सी ली है, अंदाज के मुताबिक आप ले सकते हैं। मैं चीनी थोड़ा कम खाती हूँ इसलिए चीनी मैंने कम लिया है। एक बड़ा सा पतीला आपको लेना होगा इस तरह का, और मैंने ठंडा पानी लिया है, बस इतना कुछ आपको चाहिए होगा। तो आइए आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। तो आइए, सबसे पहले मैं ठंडा पानी डालूँगी। मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए कम से कम दो गिलास, बड़े गिलास से आप पानी लीजिए। अब देखिए ये सिलवट्टे का लोढ़ा है, इससे मैं बेल को तोड़ूंगी। देखिए, ये पूरा पका हुआ है। अब इसका मैं आपको शरबत बनाकर दिखाऊंगी कैसे बनता है। तो आइए, इसका पूरा भाग अंदर का हम एक चम्मच की सहायता से निकाल लेते हैं। इस तरह से आप इसके अंदर का पूरा पका हुआ गुद्दा निकाल लें। तो इस तरह से देखिए, आपको अंदर का भाग निकाल लेना है। अब मैं इसमें इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। इसे आप अपने हाथों से अच्छी तरह से मिला लें, और बनाने से पहले आप हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद मैं इसे छन्नी की सहायता से छानकर उसमें चीनी मिक्स करूंगी। देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है, और इसके अंदर जो आपको निकलेगा ये रेसा आपको निकाल कर फेंक देना है। जितना मोटा रेसा होगा आप उसे निकाल कर अलग कर लें इस तरह से। अब इसमें मैं चीनी मिलाऊंगी। चीनी आप अपने मुताबिक मिला सकते हैं, कम ज़्यादा, थोड़ा सा आप इसमें हल्का काला नमक भी मिला सकते हैं। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी चम्मच से। अब इसे मैं छन्नी की सहायता से छानूंगी, जिससे जितना भी मोटा रेसा और होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। और ये बिल्कुल फाइन बनेगा, क्योंकि रेसा अंदर अगर जाएगा मुँह में तो वो ठीक नहीं है, और आपको स्वाद भी बेस्वाद कर देगा। तो इसे इस तरह से हम छान लेंगे।
तो ये देखिए मैंने इसे छन्नी की सहायता से छान लिया है और मेरा शरबत बनकर तैयार है, बेल का फ्रेश शरबत जो मैंने अपने पेड़ से तोड़कर फ्रेश बनाया है। और रोज़ मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, रोज़ मैं यूज़ करती हूँ अपने डाइट में, जिससे मेरा पेट एकदम क्लियर है। और आप भी इसे यूज़ करें और बताएं ये कैसा बना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।